हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल, गुड्डा गौर जी। हम पढ़ रहे हैं पोएम्स, और पोएम्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पहली पोएम की, जिसका नाम था द नोबल नेचर। नोबल नेचर में हमने देखा है कि व्यक्ति है अपने कर्मों से और अपने श्रेष्ठ कार्यों से महान बनता है। सेकेंड वन पोएम थी, उसका नाम था ए बॉय सॉन्ग। ए बॉय सॉन्ग में अपन ने देखा कि जो कवि है वह जितने भी पक्षी हैं उन सभी की स्वतंत्रता का पक्षधर है, ठीक है। ही इज द लवर ऑफ फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, ओके। तो इसी प्रकार से अब हमारी जो पाठ्य पुस्तक रेनबो में चलने वाली जो तीसरी पोएम है, जिसका नाम है दी होप, जो कि राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है, अपने यहीं के हैं, ठीक है। तो द होप में क्या बताया गया है? तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि आशा है, उसी पे पूरी की पूरी दुनिया कायम है। एक पक्ष, कोई भी इंसान होता है, पक्षी होता है, कोई भी जीव होता है, अपने संतान का पालन पोषण करता है कि आगे जाकर के हमारे सहारा बनेंगे। तो इसी में अपन देखते हैं, तो सबसे पहले अपन इस पोएम के जो हमारे मुख्य मुख्य जो मीनिंग्स हैं वो नोट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले पोएम है, मीनिंग है होप। होप मीन्स होता है बेटा आशा, ठीक है। तो आशा है, हम आस करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, ये इसका पर्यायवाची शब्द हो सकता है एक्सपेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब वही है आशा करना अपने को, ठीक है। टर्म, टर्म का मतलब आमतौर पर बेटा मानना या नाम रखना या पुकारना, ठीक है। इसी प्रकार से ये रिलेवेंस, रिलेवेंस मीन्स होता है प्रासंगिकता, प्रासंगिक हो, उससे संबंधित हो। इसी प्रकार से मेजर, मेजर मीन्स माप या कार्य, ओके। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं बेनिफिकेशन, बेनिफिकेशन का मतलब होता है धर्मदान या परहित, यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि ए चैरिटेबल गिफ्ट, यानी कि दान में दी हुई कोई भी जो वस्तु है उसे हम बेनिफिकेशन के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब बेटा हम यूँ कह सकते हैं कि हम दान करते हैं, ये सोचते हैं कि आने वाले, हमें आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिलेगा या अगले जन्म में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, उसे बोलते हैं अपन बेनिफिकेशन। इसी प्रकार से क्रिएशन, क्रिएशन मीन्स हो गया है रचना, है ना, या सृजन हो गया बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से सॉल, सॉल मीन्स हो गया है आत्मा, इसका पर्यायवाची शब्द अपन स्पिरिट लिख सकते हैं। इसी प्रकार से प्लेजरसम, प्लेजरसम, प्लेजरसम का मतलब हो गया खुश, जो अत्यधिक खुश होता है ना, चीयरफुल है, उसके लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से लीप, लीप का मतलब होता है बेटा जंप, जंप का मतलब होता है उछलना, ठीक है। इसी प्रकार से एंथ्यूसियम, एंथ्यूसियम का मतलब हो गया बेटा झील, झील का मतलब हो गया है जोश या उत्साह, ठीक है। इसी प्रकार से गलो, गलो मीन्स होता है चमक या आभा, जो अपन देते हैं चेहरे के ऊपर चमक होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, आभा बोलते हैं। इसी प्रकार सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स होता है लिव, लिव मीन्स होता है जीवित रहना, यानी हम किस प्रकार से सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा जीवन किस प्रकार से चल रहा है, हम उसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से सरमाइज, सरमाइज का मतलब होता है बेटा गैस, गैस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, है ना, कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसी प्रकार से किल्स, किल्स का मतलब होता है ख़त्म करना, मारना, ठीक है। इसी प्रकार से कॉम, सी एल एम, कॉम, कॉम का मतलब पीसफुलनेस, पीसफुलनेस का मतलब क्या होगा बेटा, शांति, अत्यधिक शांति। इसी प्रकार से क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है मोशनलेस, मोशनलेस मीन्स हो गया बेटा निश्चेष्ट, यानी बिना किसी चेस्ट के, ओके। इसी प्रकार से नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मकता, क्या होता है, नकारात्मकता, ठीक है। तो इसी प्रकार से सर्च, सर्च मीन्स होता है बेटा फाइंड आउट, यानी कि तलाश करना, ओके। इसी प्रकार से यंग वंस, यंग वंस का मतलब होता है कि जो पक्षी होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं बेटा, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, यानी बर्ड्स बेबीज, यानी कि जो पक्षियों के बच्चे हैं उनको अपन यंग वंस बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मटेरियल, अब मटेरियल का मतलब होता है तो सामग्री होता है, सामान होता है, लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो पक्षी अपने घोंसलों बनाने के लिए सामान लेके आते हैं ना, घास फूस, उसका नाम यहाँ पर मटेरियल से आया बेटा। इसी प्रकार से बिल्ड, बिल्ड का मतलब क्या है, बनाना, निर्माण करना, है ना। इसी प्रकार से बड, बड का मतलब हो गया है कली, ठीक है, क्या हो गई, कली,
इसी में स्टे स्टे मीन्स होता है रुकना होता है, ठहरना होता है, ठीक है, और यहाँ पर कायम रहना। ओके, इसी प्रकार से ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है बेटा स्प्राउट, यानी कि खिलना। जो पक्षी क्या नाम है, जो फूल होता है वो खिलता है, उसके लिए अपन ब्लूम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से लूज, लूज मीन्स क्या होता है, खोना होता है बेटा। लेडेंट, लेडेंट का मतलब होता है भरे हुए, लदे हुए, खूब बड़ी मात्रा में, चारों फले फले हुए ना, थ्राइवड हो गया। लेडेंट मीन्स भरे हुए। हुई, हुई मीन्स होता है बेटा अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस का मतलब क्या हो गया, कलर हो गया, रंग रूप हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एनलाइटन, ENLIGSTN, एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब होता है प्रकाशित करना, यानी कि दिखाना, ठीक है, यानी जो हमें नए रास्ते हैं उनको हमें उनसे अवगत कराना, हमारा जो पथ है उसको प्रकाशित करना, एनलाइटन हो गया। ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स होता है बेटा निराशाजनक, उदासीजनक, है ना, ठीक है, बिल्कुल उदास। इसी प्रकार थ्रोफेयर्स, थ्रोफेयर्स का मतलब हो गया जीवन के मार्ग, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेशनेस, फ्रेशनेस मीन्स हो गया बेटा ताजगी, और ये देखिए वार्म, वार्म मीन्स हो गया उत्साह, ओके, झील हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अहेड, अहेड मीन्स आगामी, आने वाले, गो ऑन, जारी रखना। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है बेटा युत्पन्नता, ठीक है, क्या होता है, युत्पन्नता। इसी प्रकार से फंक्शन, फंक्शन मीन्स हो गया है कार्य, और प्राइम मीन्स हो गया मुख्य या प्रमुख, और एक्सेलेंस मीन्स हो गया श्रेष्ठता। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो अपने मीनिंग्स हैं वो अपने तैयार किए हैं थर्ड वन पोएम के, और ये आप लोग तैयार करेंगे, याद भी करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हम इस जो पोएम है वो अगले जो अपना एपिसोड है उसमें तैयार करेंगे बेटा। थैंक यू, थैंक्स।